श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जी, हम शब्द है जी, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। सो ये शब्द बैसाखी के मौके पर, खास करके छोटे बच्चे जड़े 3 साल दे या 3 या 4 साल दे विच हन, इस खास करके उन्हां वास्ते ट्यूटोरियल रेडी किया गया है। इस विच बहुत ही घट सुरा लगा रहे हैं, ते आराम नाल कोई भी जिसनों बिल्कुल भी हारमोनीयम का नहीं पता, वह भी कीर्तन कर सकता है इन्हां सुरां ते। सो आओ करो कृपा सत्संग जी, और सत्संग जी पहले इसनों गायन करके देख लें, फिर उस तो बाद सुरां देखते हैं। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है ताकि छोटे बच्चे जिहड़े 3 साल दे हन, छोटे आराम नाल इसनों कर सकते हैं, और जिन्होंने कभी नहीं भी हारमोनीयम फड़िया वो भी इन्हां सुरां ते कीर्तन कर सकणगे। सो बच्चों लिए इसनों तैयार किया जाए, वैसे सुरां देखते हैं। वाह वाह गो, वाह वाह गोबिंद सिंह, वाह वाह, ठीक है, वाह वाह गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह, ठीक है जी, वाह वाह सिद्धियां दो, फिर गोबिंद सिंह, सिर्फ 5 सुरां में पूरा ही हो गया। फिर इसका अंतरा देखते हैं, वो भी सिंपल ही है। हर सच्चे तख्त रचाया, हर सच्चे तख्त रचाया, सत संगत मेला, सत संगत मेला। हम देख लो, हर सच्चे, हर सच्चे तख्त, तख्त हर सच्चे तख्त, ठीक है जी, रचाया, रचाया, थल्लों के उपर जाना है, फिर उपर थल्ले, सत सत संगत, सत संगत मेला, ठीक है जी। थल्लों की स्टार्ट करांगे इदा उपर, फिर उपरों थले, इदा ही यदि रोटेशन है। सो फिर तो दोबारा असी, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सो इस तरह सारिया पंक्तियां पढ़ सकते हो। नानक निरपौ निरंकार, नानक निरपौ निरंकार, नानक निरपौ, नानक निरपौ निरंकार, ठीक है जी। विच सिद्धा, विच सिद्धा खेला। सो अगलियां पंक्तियां सेम सुरा ध्यान, पहले असी सारे अंतर एक बारी कर लेने हैं, तो आप अपने बच्चों नूं थोड़ा जा अपने नाल बिठा के दे दस सकते हो। गुर गुरदास मनाई काल का, गुर दास मनाई, गुर दास मनाई काल का खंडे की वेला, खंडे की वेला, ठीक है जी। पियो पौल
खंडे तार पियो पहल खंडे तार होए जन्म होए जन्म सुहेला होए जन्म सुहेला। फिर अगली पंक्ति है सत संगत संगत कीनी संगत कीनी खालसा खालसा संग। फिर एक बार देख लो संगत कीनी खालसा मन 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 मुखी मन मुखी दोहेला दोहेला। फिर हर पंक्ति तो बाद आपां गाउणा वाह वाह गोबिंद सिंह सॉरी वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सो इस तरह इस दियां सुरां यूज करनी हैं। सो आप नूं इखनों ताल ते भी गा के दिखा देने हैं। हुण ताल ते गाउणे हैं वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला। हर सच्चे तख्त रचाया हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला सत संगत मेला। सो इस तरह गा के फिर नानक निरपौ निरंकार नानक निरपौ निरंकार विच सिद्धा खेला विच सिद्धा खेला वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। सो इस तरह आप दो दो पंक्तियां इकट्ठियां भी गा सकते हो नहीं तो एक पंक्ति तो बाद वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला भी कर सकते इदा गा सकते हो। सो अगली पंक्ति देख लेते हैं गुरदास मनाई काल का गुरदास मनाई काल का खंडे की वेला खंडे की वेला पियो पहल खंडे तार पियो पहल खंडे तार होए जन्म सुहेला होए जन्म सुहेला वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाहेगुरु भी बोल सकते हैं जिदा वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। संगत कीनी खालसा संगत कीनी खालसा मन मुखी दुहेला मन मुखी दुहेला वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला। सो इस तरह स्टूडियो समाप्त होंगी सत्संग जी। सो देव सज्जन असीस जी जो हो सैब सुमेर। सो आप अपने बच्चों नूं इस कोशिश करो सिखाउण दी ते जे आप नूं किदां लग रहा है आसान लग रहा है कि नहीं आप दसना नहीं तो फिर होर भी ज़्यादा इस तों भी ज़्यादा आसान करन दी कोशिश करांगे तां कि दो तीन साल दे बच्चे भी हारमोनियम ते हाथ रख के ते अपना कीर्तन कर सकन। सो आप इसका कॉमेंट भी जरूर दस देना। सो देव सज्जन सीसड़िया
जो होवे सहज समेल। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।